विधानसभा चुनाव के लिए दोनों प्रमुख दलों के प्रत्याशियों द्वारा नामांकन दाखिल करने के साथ ही जनसंपर्क भी तेज हो गया है। यही कारण है कि बीते दो दिनों में बाजारों में फूलों की खपत भी बढ़ी। जनता के बीच पहुंच रहे नेताओं का स्वागत करने का लोगों में ऐसा उत्साह है कि वे थोकबंद मालाओं की खरीदी कर शहर की लगभग 40 फूल माला दुकानों से दो दिनों में फूलों की खपत दोगुनी हुई है। व्यापारियों के अनुसार प्रत्येक दुकान में आम दिनों में 50 के मुकाबले अब रोजाना 100 से अधिक फूल मालाओं की बिक्री हो रही है। व्यापारियों की माने तो फिलहाल ग्रामीण ग्राहक ही ज्यादा है। दरअसल शहरी क्षेत्र में नेताओं के जन संपर्क से पहले मंत्री माला की बुकिंग भी आना शुरू हो गई है। व्यापारी भगवान माली बताते हैं कि शहरी क्षेत्र में बड़ी माला की बुकिंग आई है, मगर व्यापारियों के पास फूलों का इतना स्टॉक नहीं होने से वे बुकिंग नहीं ले रहे। बड़ी बात तो यह है कि दूसरे शहरों से भी लोग मंत्री माला की बुकिंग कराने पहुंच रहे हैं। हाल ही में व्यापारी गोलू माली ने रतलाम के एक ग्राहक को 2100 रुपये की मंत्री माला बना कर दी है। फूल बाजार में नवरंगा और सफ़ेद फूलों के मुकाबले गेंदे के फूलों की डिमांड ज़्यादा है। व्यापारी तेजू माली ने बताया कि सिर्फ उनकी दुकान से ही लगभग 100 गेंदे की मालाएं बिक रही है, जबकि आम दिनों में इसकी बिक्री 50 माला की होती है, जबकि सफ़ेद फूल की मालाओं की बिक्री कम है। क्या नाम है आपका? जगजीत सैनी। इस बार गेंदे के फूल के आवक कितने क्या रहे? गेंदे की इस बार अच्छी मतलब आवक रही है और रेट भी अच्छा रहा इस बार दिवाली पे, करीब 30 से 40 रुपए किलो यहाँ बिक गया माल। दीपावली से पहले आवक कितनी थी और अभी वर्तमान में आवक कितनी है? रोज कितने कंटिन्यू हार बिक जाते हैं? अब मंडी में माल कितना आ रहा है? इसको मंडी में अभी करीब करीब अभी 2.5 से 3 क्विंटल माल अभी की फिलहाल आ रहा है। इसके पहले मंडी में दिवाली से पहले 6 से 7 क्विंटल माल रोज आ रहा। आप अभी वर्तमान में हार कितने करीब हार बिक जाते हैं रोज के? 100 से 150। उससे पहले? उससे पहले 250, 300, 250, 300 माला बिका।